सब्सक्राइब कीजिए टेक्नीशियन राहुल चैनल को और साथ ही में इस बेल के आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि यहाँ मिलती है फ्रेश वीडियो और फ्रेश टॉपिक पे। दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी लोग, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टेक्नीशियन। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले GTA Unity 5 का 1.7 का गेम प्ले और GTA 1.8 वर्जन का इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको ये वाले 1.7 डाउनलोड करना है तो इसकी मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों 1.8 की पूरी बात करेंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे जगह बड़ी हो गई और एक स्पेशल थिंग मिली है, जी हाँ वो है कार ऐड हो गई है इसमें, तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है बेसिकली। और दोस्तों इस वीडियो को स्टार्टिंग लेके एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द से जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर का गोल पूरा करवा दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी जाइए तुरंत, वरना आप बाद में भूल जाते, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नाउ। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक एम रखते हैं 40। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले थे 1.7 का। दोस्तों जैसे देख रहे हैं ये हमें कार मिल गई, हम ड्राइव कर रहे हैं और ये देखिए हम लोग नीचे गिर गए हैं दोस्तों ये गड़बड़ हो गई है। और दोस्तों इसमें ऐड क्या क्या हुआ है, तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया था कार आपको मिल जाएगी, तो कार आपको मिल गई है। नाइट का मज़ा ले सकते हैं तो वो भी आपको मिल गया दोस्तों। बाइक तो मिली थी हालांकि, तो दोस्तों इसमें तो यही सब मिला और जगह बड़ी कर दी गई है। और ये जो आपको ट्रैक्स दिख रहे हैं आगे रेड कलर में, ये सब दोस्तों ये GTA 5 के रेसिंग ट्रैक जैसे ही लग रहे हैं जो ऑनलाइन में आप खेलते थे। तो दोस्तों ये इन्होंने इसलिए बना दिया क्योंकि 1.8 में आपको रेसिंग से रिलेटेड आपको वो मिलने वाली है, मतलब आप रूम टेस्टिंग कर लेंगे तो जिससे आप ऑनलाइन प्लेयर के साथ GTA 5 यूनिटी खेल सकते हो, तो आप वहाँ पे रेस लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए उन्होंने ट्रैक बनाया। तो दोस्तों 1.8 में तो आपको एक क्ल्यू मैंने बता दिया कि आपको मिल जाएगा उसमें रेसिंग ट्रैक, मतलब 1.8 में आपको मिलने वाला है। जी हाँ मल्टीप्लेयर टास्किंग गेम, मतलब आप मल्टीप्लेयर इसे खेल सकेंगे मिनी मलेशिया की जैसे। और दोस्तों उसमें शायद वो फ्रैंकलिन ऐड कर दे, क्योंकि दोस्तों फ्रैंकलिन अब ऐड करना बहुत ज़रूरी है और वो शायद कर भी दे क्योंकि 1.5 से पहले से ही वो फ्रैंकलिन पे काम कर रहे थे। माइकल तो उन्होंने ऐड कर दिया, फ्रैंकलिन अब वो ऐड करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं फ्रैंकलिन ऐड होता है कि नहीं। दोस्तों यहाँ फिर मैं नीचे गिर गया। दोस्तों आपको पता है कि 8 मतलब GTA 5 जैसे पूरे गेम तो नहीं बन पाएगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, पर हाँ उससे कम तो होगी, मतलब कुछ बेसिकली ज़्यादा ज़्यादा अगर बिल्ड भी हो जाए, सारे करेक्टर वगैरह भी हो जाए, तो ज़्यादा ज़्यादा 400-500 MB तक बन जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी दोस्तों। और दोस्तों ये मैं सही बता दूँ, पूरी GTA 5 जैसी कभी नहीं बन पाएगी क्योंकि दोस्तों GTA 5 वो बहुत तगड़ी गेम और रॉकस्टार ने उस पर जी जान लगा रखी है, तो दोस्तों वैसी गेम बनाना इम्पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, पर अभी के लिए अकेले काम करना इम्पॉसिबल है, क्या पता कर दे, क्योंकि भाई GTA 5 बनाने वाला भी तो आदमी थे, क्या पता ये भी बना दे। पर दोस्तों जिस हिसाब से कर रहे हैं काम बहुत अच्छा लग रहा है, तो इन्हें मैं सल्यूट करना चाहूँगा अपनी टीम की तरफ से, आपको बोलना चाहूँगा भाई कीप इट अप, करते रहें ऐसे काम करते रहें। और दोस्तों इसमें जैसे कि आपको पता है 1.7 अगर आपको डाउनलोड करने का मन कर रहा है तो आप सीधा मेरा लिंक चेक कीजिए, वहाँ पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी दोस्तों, इस देख लीजिएगा वहाँ से खेल लीजिएगा। और दोस्तों ये देखिए क्या हो गया, और दोस्तों ये देखिए ग्राफिक यहाँ पे ख़त्म हो गए, ग्राफिक अंदर ही फंस गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस बेसिकली आपसे इतनी ही बात करनी थी, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ विजिट माई चैनल। Yeah.